हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ड्रिल मास्टर। आज के इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज सीमेंट। इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस आप लोग सभी जानते ही होंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो चैप्टर है ये हर एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला स्टूडेंट पढ़ सकता है, बिकॉज इसकी इम्पोर्टेंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को चाहे ये SSC JEE एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, चाहे आपको इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, चाहे गेट एग्ज़ाम, चाहे सिविल सर्विस एग्ज़ाम, चाहे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम, चाहे PCS एग्ज़ाम्स, कोई भी एग्ज़ाम्स हों, सभी एग्ज़ाम्स में ये चैप्टर बिल्डिंग मटेरियल का आप लोगों को पूछा ही जाएगा। अब ये चैप्टर इम्पोर्टेंट क्यों है, बात आती है यहाँ पर। सो लेट अस डिस्कस द पॉइंट नंबर 1, क्यों इम्पोर्टेंट है ये। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी धरती पे हवा और पानी के बाद सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला कोई बिल्डिंग मटेरियल है तो वो है कंक्रीट। अब कंक्रीट चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सिविल इंजीनियरिंग में, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी। बिल्डिंग मटेरियल में किसी भी चैप्टर की इम्पोर्टेंस अगर मैं बताऊँ तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है कंक्रीट। अब कंक्रीट चैप्टर आप लोगों को डायरेक्टली नहीं पढ़ाया जा सकता, बिकॉज कंक्रीट इज मेड अप ऑफ दीज इंग्रीडियंट्स, दैट इज बाइंडिंग मटीरियल, एग्रीगेट्स यानी कि फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, वाटर एंड एडमिक्सचर्स। इन पांचों तत्वों से मिलकर मेनली कंक्रीट बनाया जाता है। अब कंक्रीट में जो सबसे पहला इंग्रीडियंट है वो है बाइंडिंग मटीरियल। बाइंडिंग मटीरियल के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, सीमेंट, जिप्सम एक्सेट्रा। ये सभी के सभी जो बाइंडिंग मटेरियल्स है, इनमें सबसे ज़्यादा सुपीरियर आज के समय में वो है सीमेंट। तो सीमेंट के बारे में हमारा ये चैप्टर रहेगा, जिसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में सब्सिक्वेंटली वी विल डिस्कस अबाउट द लाइमस्टोन, जिप्सम, मड, एंड देन वी विल डिस्कस द एग्रीगेट्स, वाटर एंड एडमिक्सचर्स। और उसके बाद ही हमको मेनली समझ आएगा द अल्टीमेट चैप्टर, दैट इज कंक्रीट। समझे बात को? सो, ये हमारा टाइमलाइन रहेगा आगे आने वाले चैप्टर्स को समझने के लिए। लेकिन ये जो चैप्टर है सीमेंट, इस चैप्टर के जो सब टॉपिक्स जो हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, दैट आर ये रहे आपके सामने। सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सीमेंट, यानी कि सीमेंट की इंट्रोडक्शन। देन वी विल डिस्कस कि सीमेंट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, उस रॉ मटेरियल के इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल की केमिकल कंपोजिशन। देन वी विल डिस्कस द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सीमेंट क्लिंकर, यानी कि बॉग कंपाउंड्स। देन वी विल डिस्कस द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ द सीमेंट, एंड देन वी विल डिस्कस द हाइड्रेशन प्रोसेस ऑफ द सीमेंट, एंड देन वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द हाइड्रेशन प्रोसेस। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेरियस टाइप ऑफ सीमेंट्स। अलग अलग टाइप ऑफ सीमेंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा टाइप, और वी कैन से दैट टेस्टिंग ऑफ द सीमेंट। सीमेंट की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए हम कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे, उन टेस्ट को समझेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है सीमेंट को समझने के लिए। और इन द एंड वी विल डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ सीमेंट्स। एक्चुअली में 100 से भी ज़्यादा टाइप ऑफ सीमेंट्स हैं जो हम आज के समय पे यूज़ करते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सीमेंट्स के बारे में ही इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। बात रही आपके नोट्स की। आप लोगों को मेनली फोकस करना है वीडियो लेक्चर को समझने में, हर एक टॉपिक को, कंसेप्ट को समझने में। देन आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी कि मेरे नोट्स कहाँ पर हैं या मेरे को नोट्स कैसे बनाऊं। आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड सब्सिक्वेंट चैप्टर्स, लेकिन आप लोगों को नोट्स PDF फॉर्म में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप लोग को वो PDF मिल जाएगा, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द गूगल ड्राइव। आज के इस पर्टिकुलर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द सीमेंट, बट आफ्टर द म्यूजिक।
सो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। सो सबसे पहले आपके सामने ये डेफिनेशन है सीमेंट की। सीमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय पुलवराइजिंग क्लिंकर विच इज़ अ बाय प्रोडक्ट और विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय कैल्सिनेशन ऑफ वेरियस रॉ मटीरियल्स विच इज़ प्राइमरी कंसिस्टिंग ऑफ लाइम, सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन? सो बच्चों, एक्चुअली में क्या है कि जब भी हम सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं, सो सीमेंट एक्चुअली में है क्या, ये हमें मालूम होना चाहिए। सीमेंट को जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल बेसिकली जब आप नेचुरली उसको कलेक्ट करते हैं किसी एक सोर्स से, तो मेनली वो दो मटेरियल का बना होता है, कैल्केरियस एंड आर्गिलेशियस मटेरियल्स। कैल्केरियस मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं विच इज़ मेनली रिच इन लाइम, जिसके अंदर लाइम की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि लाइमस्टोन, फिर मरीन शेल्स एक्सेट्रा। जब आप कैल्केरियस मटेरियल्स को मिक्स करते हैं आर्गिलेशियस मटेरियल्स के साथ, जैसे कि आर्गिलेशियस मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं विच आर रिच इन एल्यूमिना, सिलिका एंड आयरन ऑक्साइड। आर्गिलेशियस कंपाउंड्स और मटेरियल्स के जो एग्जांपल्स हैं, दे आर लाइक जैसे कि शेल, क्ले, देन ब्लास्ट फर्नेस स्लैग एंड मार्ल एक्सेट्रा। सो ये जो रॉ मटेरियल्स हैं, इनको हम यूज़ करते हैं फर्दर कैल्सिनेशन प्रोसेस। कैल्सिनेशन प्रोसेस का मतलब है टू हीट द मटेरियल बाय हाई टेम्परेचर सो दैट इट ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन का मतलब ही यही है कि किसी एक मटेरियल या सब्सटेंस को जब हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं, सो उसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं एंड इट ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस। सो यही हम एक्चुअली में जो सोर्स, जो मटेरियल कलेक्ट करके लेकर आते हैं सीमेंट बनाने के लिए, उनको कैल्सिनेट किया जाता है, हीट किया जाता है, ताकि वो एक कंपाउंड बना ले जिसको बोला जाता है क्लिंकर। इस डेफिनेशन में क्लिंकर लिखा हुआ है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्लिंकर? जब हम हाई टेम्परेचर पे कैल्सिनेट करते हैं सीमेंट को बनाने के लिए, रॉ मटेरियल को, तो इट ब्रेक डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस एंड दैट सिंपलर सब्सटेंस इज क्लिंकर, which is known as cement clinker. It is a compound which is in the range of the size, that is 3 mm to 20 mm. 3 mm से 20 mm के size की छोटी छोटी balls होती हैं जिनको हम cement clinker बोलते हैं। Then उनको actually में pulverize किया जाता है। What is the meaning of pulverize? Pulverize का मतलब है to make into dust. किसी को बहुत ज़्यादा पीस पीस कर जब हम डस्ट बना लेते हैं, इतना फाइन बना लेते हैं कि वो हमारे हाथों में बिल्कुल स्मूथ फील होता है, उसको बोला जाता है पुलवराइजेशन। पुलवराइज हम करते हैं सीमेंट क्लिंकर टू मेक द सीमेंट क्लिंकर इनटू सीमेंट। सो दिस इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस डेफिनेशन। समझे बात को? पूरा पिक्चर क्लियर हुआ? आई होप दिस इज़ सीमेंट। अब बात करते हैं कि ये जो सीमेंट है, ये सीमेंट एक्चुअली में आया कहाँ से? सीमेंट आपको मैं बताऊँ तो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला बाइंडिंग मटेरियल है आज के समय में कंक्रीट बनाने के लिए। पहले समय था 18th सेंचुरी से पहले कि हम लाइम को मेनली यूज़ करते थे कंक्रीट या किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। लेकिन लाइम का एक्चुअली में एक ड्रॉबैक ये था कि उसको समय लगता था कंस्ट्रक्शन वर्क में, एक्चुअली में उसकी स्ट्रेंथ गेन करवाने के लिए। यानी कि मैं आपको बताऊं तो अगर लाइम को यूज़ करते हैं तो आपको बहुत महीने लग जाएंगे उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के एक्चुअल स्ट्रेंथ को गेन होने में। लेकिन अगर आप सीमेंट यूज़ करते हैं तो 28 या 1 महीने के
टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगभग 90% स्ट्रेंथ सीमेंट अचीव कर लेता है। दैट्स वाई आज के समय पे फास्ट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के लिए हम एज अ बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट को यूज़ करते हैं। और आपको ये बात भी मैं बताऊं कि कंक्रीट जो है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि हवा और पानी के बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला कोई मटेरियल है धरती पर, तो वो है कंक्रीट। और कंक्रीट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है सीमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सीमेंट है इसकी एक प्रॉपर्टी है जो एडहेसिव ही भी है और कोहेसिव भी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एडहेसिव एंड कोहेसिव? दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूँ दैट सीमेंट शोज द एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज। एडहेसिव का मतलब कि जब कोई एक मटीरियल दूसरे मटीरियल के साथ जुड़ जाता है तो वो होता है एडहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। यानी कि आप फेविकोल के ऊपर देखते हैं एडहेसिव्स लिखा होता है। सो फेविकोल को यूज़ किया जाता है दो किसी मटेरियल को जोड़ने के लिए। तो जो फेविकोल है उसके अंदर एडहेसिव प्रॉपर्टी है, वो जोड़ने के काम आता है किन्हीं दो मटेरियल को। तो कंक्रीट में जो दो एग्रीगेट्स हैं या एग्रीगेट्स का बल्क है उनको एकजुट रखने के लिए एडहेसिव प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है सीमेंट के अंदर, जो कि सीमेंट में होती है। अब सीमेंट और सीमेंट के जो पार्टिकल हैं, सीमेंट सीमेंट के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में भी एक जोड़ है, उनके बीच में भी एक एक्चुअली में अट्रैक्शन है। उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बोला जाता है कोहेसिव प्रॉपर्टी। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन दैट सीमेंट शोज एडहेसिव एज वेल एज कोहेसिव प्रॉपर्टीज। इस प्रकार का ये एक मटीरियल है। नाउ मैं आप लोग को अब ये बात बताता हूँ कि ये जो सीमेंट है इसको इन्वेंट किसने किया था पहली बार। सबसे पहली बार जोसेफ एस्फडीन नाम के एक एक्चुअली में रिसर्चर थे जिन्होंने सीमेंट को पहली बार इन्वेंट किया 1824 में। 1824 बहुत पुराना समय था जब जोसेफ एस्फडीन ने यह पाया कि इंग्लैंड में एक पोर्टलैंड नामक जगह है, इंग्लैंड में एक पोर्टलैंड नामक जगह है, वहाँ पर जो चट्टाने हैं, जो वहाँ का एक्चुअली में ज्योग्राफिकल एरिया है, जो वहाँ की टोपोग्राफी है, वहाँ पर चट्टान का जो पत्थर है उसकी केमिकल कंपोजिशन और जो सीमेंट की केमिकल कंपोजिशन है वो लगभग सिमिलर है। इस वजह से जोसेफ एस्फडीन ने सीमेंट को नाम दे दिया पोर्टलैंड सीमेंट और उसको फर्दर यूज़ किया जाने लग पड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के लिए। सो दिस इज़ द कंप्लीट सिनारियो ऑफ द सीमेंट। सो ये इंट्रोडक्शन के बाद मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप सीमेंट खरीद कर लेकर आते हैं मार्केट से, मार्केट से जब आप सीमेंट खरीद कर लेकर आते हैं तो एक बैग में मिलता है आपको, उस बैग का जो क्वांटिटी होता है वो होता है 50 kg, 50 किलो का बैग होता है जो भी आप मार्केट से किसी भी शॉपकीपर से खरीद कर लेकर आएंगे। तो सीमेंट के बैग का वेट आपको मालूम है 50 किलो। तो मैं आपको बता दूं कि सीमेंट की जो डेंसिटी है वो कितनी होती है, 1440 kg पर मीटर क्यूब। यानी कि एक बैग ऑफ सीमेंट का वेट होता है 50 kg और उसकी सीमेंट की जो डेंसिटी होती है दैट इज़ 1440 kg पर मीटर क्यूब। सो यहाँ से आप डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम यूज़ करते हुए वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं सीमेंट बैग का। एक सीमेंट बैग का जो वॉल्यूम है वो लगभग 35 लीटर्स के करीब होता है। सो दिस इज़ द कम्प्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ द सीमेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड टॉपिक के साथ, दैट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉ मटीरियल्स यूज्ड फॉर द सीमेंट। सो देखिए क्या होता है कि जब भी हमको सीमेंट बनाना हो तो हमको रॉ मटीरियल की ज़रूरत पड़ेगी सीमेंट बनाने के लिए। सीमेंट जो एक्चुअल कंडीशन में हमको मार्केट में मिलता है वो एक्चुअली में रिफाइंड फॉर्म होती है जिसको हमने मैन्युफैक्चर किया है फैक्ट्रीज़ में, लेकिन एक्चुअली में
जो नेचर के अंदर रॉ मटेरियल पाए जाते हैं जिससे हम आगे फर्दर सीमेंट बनाते हैं, वो कैलकेरियस और आर्गिलेशियस मटेरियल्स होते हैं। कैलकेरियस और आर्गिलेशियस मटेरियल्स की केमिकल कंपोजिशन जब टेस्ट की गई तो पाया गया कि उनमें ये केमिकल कंपोजिशन होती है, यानी कि ये कंपाउंड्स पाए जाते हैं रॉ मटेरियल्स में सीमेंट बनाने के लिए। सो जो केमिकल कंपोजिशन है इनकी आगे फर्दर वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोग को बताऊं कि जो रॉ मटेरियल है उसके अंदर लाइम, सिलिका, एलुमिना, आयरन ऑक्साइड, एल्कली, मैग्नीशिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड कैल्शियम सल्फेट मौजूद होता है। लेकिन हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे सीमेंट के अंदर कोई इम्प्योरिटी मौजूद हो, लेकिन ये इम्प्योरिटी नेचर में पाए जाने वाले रॉ मटेरियल के अंदर हो सकती है, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। हमारे सीमेंट के अंदर हम चाहते हैं कि सिर्फ मेनली चार कंपाउंड्स मौजूद हों, लाइम, सिलिका, एल्यूमिना एंड आयरन ऑक्साइड। इन सभी का खुद में ही कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो बाकी के चार कंपाउंड्स हैं जैसे कि मैग्नीशिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट एंड अल्कली, ये हमारे सीमेंट में नहीं होने चाहिए, लेकिन ये रॉ मटेरियल में मौजूद होते हैं। दैट इज़ वाई वी डू द कैल्सिनेशन प्रोसेस। इसीलिए हमको रॉ मटेरियल को हीट करना पड़ता है हाई टेम्परेचर पे, ताकि इन इम्प्योरिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में रिमूव किया जा सके। अब इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है, सभी के सभी इंग्रेडिएंट की जो रॉ मटेरियल में पाए जाते हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। लाइम लगभग 60-65% की रेंज में पाया जाता है रॉ मटेरियल्स में। सिलिका कंटेंट पाया जाता है 17-25% की रेंज में। देन एल्यूमिना कंटेंट पाया जाता है 3-8% की रेंज में, और आयरन कंटेंट पाया जाता है 3-5% की रेंज में। और जो बाकी की इम्प्योरिटीज़ हैं, जिसमें कि अल्कली पाया जाता है 0-1%, मैग्नीशिया और सल्फर ट्राइऑक्साइड पाया जाता है 1-3%, और कैल्शियम सल्फेट पाया जाता है 0.1-0.5% की रेंज में। दिस इज द कंप्लीट केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉ मटेरियल विच आर बीइंग यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। अब इन सभी के सभी इंग्रेडिएंट का जो रॉ मटेरियल में पाए जाते हैं, इनकी खुद में ही अपने आप में इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हम बात करेंगे लाइम के बारे में। तो लाइम एक्चुअली में एक ऐसा इंग्रेडिएंट है हमारे सीमेंट में जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर ये 60-65% की रेंज में ना हो तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं हमारे सीमेंट में। लाइम की एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी ये है कि जैसे ही इस पे मॉइस्चर आता है ना, इन्वायरमेंट में कोई ना कोई मॉइस्चर एयर में मौजूद होगा, उस मॉइस्चर को लाइम एब्जॉर्ब कर लेता है। सो अगर ये ज़्यादा मात्रा में मौजूद हुआ 65% से, तो इट विल क्रिएट द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स इन आवर सीमेंट। दैट इज़ वाई इसकी जो परसेंटेज है 65% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सो ये हमारे सीमेंट को 65% से ज़्यादा होने की वजह से अनसाउंड बना देता है। अनसाउंड का मतलब व्हेन द सीमेंट और द लाइम प्रेजेंट इन द सीमेंट, व्हेन इट विल बी प्रेजेंट इन द एक्सेस अमाउंट, इट विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड मेक आवर सीमेंट अनसाउंड। अनसाउंड का मतलब है चेंज इन द वॉल्यूम ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ द मॉइस्चर। समझे बात को? अब 60% से अगर कम हुआ, अगर 60% से कम हुआ हमारा लाइम कंटेंट सीमेंट में, तो क्या होगा कि हमारे सीमेंट की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। स्ट्रेंथ रिड्यूस होने के साथ साथ आपको मैं ये भी बताऊं कि लाइम की ये भी एक प्रॉपर्टी है कि ये स्लोली स्ट्रेंथ गेन करता है, यानी कि जो सेटिंग प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ गेन करने की प्रॉपर्टी है हमारे सीमेंट की, वो
एक्चुअली में क्विकली सेट हो जाएगा अगर इसकी जो मात्रा है 60% से कम हुई, यानी कि आपका सीमेंट ट्राई करेगा कि जल्दी सेट हो जाए। सेट होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी स्ट्रेंथ भी आ गई है। स्ट्रेंथ गेन करने के लिए हमारे सीमेंट को बाय द ड्यूरेशन, यानी कि धीरे धीरे उसको हमें वाटर सप्लाई करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है। आपने देखा होगा कंक्रीट स्ट्रक्चर्स को काफ़ी दिन तक पानी देना पड़ता है, उसके ऊपर वाटर स्प्रिंकल करना पड़ता है, तब जाकर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो गेन होती है। लेकिन अगर आप बहुत जल्द उसकी स्ट्रेंथ गेन करना चाहेंगे तो स्ट्रेंथ गेन करने के चक्कर में स्ट्रेंथ को लूज कर देंगे और हमारे कंक्रीट के अंदर क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। सो दैट इज़ वाई हमारे जो भी कंक्रीट बनाने के लिए बाइंडिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है सीमेंट, उसके अंदर 60-65% की रेंज में लाइम कंटेंट होना चाहिए। सो मेनली तीन पॉइंट आप लोगों को लाइम के बारे में याद रखने हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, देन 65% से ज़्यादा हुआ तो ये अनसाउंड बना देगा हमारे सीमेंट को। अगर 60% से कम हुआ तो स्लो सेटिंग नहीं हो पाएगी, क्विक सेटिंग होगी और साथ ही साथ हमारे सीमेंट की स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाएगी। समझे बात? अब हम बात करेंगे दूसरे इंग्रेडिएंट की, दैट इज सिलिका। दूसरे इंग्रेडिएंट की बात करूं तो सिलिका कंटेंट के बारे में, तो सिलिका कंटेंट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। इसकी जो मात्रा है 17-25% की रेंज में अगर हो तो हमारा सीमेंट अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा। ये जो मैं पूरी केमिकल कंपोजिशन अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, दिस इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ पोर्टलैंड सीमेंट, जो एक नॉर्मल टाइप का सीमेंट है जो आप लोगों को मार्केट में भी मिल जाएगा सीमेंट नॉर्मली, जिसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो आपके सामने मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। अब ये जो सिलिका कंटेंट है 17-25% की रेंज में अगर हो तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। सिलिका का मतलब क्या है एक्चुअली में? जो सैंड होती है ना, जो पत्थर के कण होते हैं, उनको बोला जाता है सिलिका मेनली। उस पर्टिकुलर सिलिका कंटेंट की मात्रा अगर ज़्यादा होगी हमारे सीमेंट में तो इसकी वजह से हमारा जो सीमेंट है बहुत स्लो सेट होगा, बिकॉज सीमेंट की जो हाइड्रेशन प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत धीरे धीरे अचीव होती हैं। दैट इज़ वाई हमारे सीमेंट में 25% से ज़्यादा सिलिका कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर 17% से कम हुआ सिलिका कंटेंट तो इसकी वजह से स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है हमारे सीमेंट की। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सिलिका कंटेंट। लेकिन आपको मैं बताऊं कि लाइम भी और सिलिका दोनों के दोनों स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए मेनली यूज़ किए जाते हैं हमारे सीमेंट के रॉ मटेरियल्स में। लेकिन इनका एक्चुअली में मैं बताऊं तो जो सिलिका कंटेंट की वजह से जो कंपाउंड्स बनते हैं वो ज़्यादा बेहतर और स्टेबल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं सीमेंट को एज कंपेयर टू द लाइम कंटेंट। फिर आप सोचेंगे कि सर हमने फिर 60-65% लाइम क्यों यूज़ किया स्टेबल कंपाउंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, अगर कोई 17-25% में सिलिका यूज़ करना पड़े तो ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। नहीं, ज़्यादा यूज़ करेंगे तो जो एक्चुअली में स्ट्रेंथ गेन करने की प्रॉपर्टी है वो और स्लो हो जाएगी। बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? लाइम। बाइंडिंग प्रॉपर्टी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? लाइम। जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी सिलिका कंटेंट प्रोवाइड करता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है इन कंपैरिजन टू द लाइम। हालांकि लाइम भी बहुत स्लो सेटिंग प्रोवाइड करता है लेकिन एज कंपेयर टू द सिलिका काफ़ी अच्छी होती है। समझे बात को? नाउ अब हम डिस्कस करेंगे तीसरा इंग्रेडिएंट, दैट इज एलुमिना कंटेंट। एलुमिना कंटेंट हमारे सीमेंट को क्विक सेटिंग प्रोवाइड करता है। क्विक सेटिंग का मतलब एक्चुअली में जो लाइम कंटेंट और सिलिका कंटेंट है हमारे सीमेंट के रॉ मटेरियल्स में, ये स्लो सेट होते हैं, यानी कि इनकी वजह से जो स्ट्रेंथ गेन होता है हमारे
सीमेंट का, वो स्लोली होता है। तो उसको जल्दी सेट करवाने के लिए, स्ट्रेंथ गेन करवाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है उसमें एलुमिना कंटेंट की। इसीलिए एलुमिना कंटेंट 3-8% की रेंज में यूज़ किया जाता है हमारे केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉ मटेरियल्स में। अब यूज़ किया जाने का मतलब ये नहीं है कि हमारे रॉ मटेरियल में हम जानबूझकर इतना इंग्रेडिएंट डालते हैं, एक्चुअली में डाला नहीं जाता है। इन रियलिटी ये जो केमिकल कंपोजिशन है इतनी होती है हमारे रॉ मटेरियल्स की जो यूज़ किए जाते हैं फर्दर सीमेंट बनाने के लिए। इनमें हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं इम्प्योरिटीज़ को, लेकिन हम चाहते हैं कि जो मात्रा लाइम, सिलिका, एलुमिना और आयरन ऑक्साइड की है वो उतनी ही रहे। तो जो वो मात्रा है 3-8% की रेंज में होनी चाहिए किसकी, एलुमिना कंटेंट की। एलुमिना कंटेंट क्विक सेटिंग प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करता है हमारे सीमेंट को। अगर इसकी मात्रा 8% से ज़्यादा हुई तो हमारे सीमेंट को ये एक्चुअली में ख़राब कर देगा, डिसइंटीग्रेट कर देगा, क्रैक्स डेवलप कर देगा। बिकॉज ज़्यादा क्विकली रिएक्शन जो शो करेगा एलुमिना, ज़्यादा क्विक रिएक्शन की वजह से क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होती है और उस हीट की वजह से क्या होगा, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे हमारे कंक्रीट में, हमारे सीमेंट में। आपने देखा भी होगा, आपने सीमेंट लिया, सीमेंट के अंदर वाटर मिक्स किया तो आप अपना हाथ डालेंगे तो आपके हाथ पे छाले पड़ जाएंगे। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस्ड इन द सीमेंट। और वो किसकी वजह से मेनली प्रोड्यूस होती है, मेनली तो सभी इंग्रेडिएंट की वजह से प्रोड्यूस होती है हीट, लेकिन सबसे ज़्यादा हीट कौन प्रोड्यूस करता है, एलुमिना कंटेंट। सो दैट्स वाई इसकी मात्रा 8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 3% से कम हुई तो क्या होगा, हमारा सीमेंट क्विक सेट नहीं हो पाएगा। जो 28वें दिन की जो स्ट्रेंथ है, 28वें दिन तक 90% स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है। वो जो स्ट्रेंथ है वो मेनली ज़्यादा रोल कौन प्ले करता है जल्दी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में, एलुमिना कंटेंट। लाइम को जो रिप्लेस किया था सीमेंट ने, वो एलुमिना कंटेंट की वजह से ही हुआ है। बिकॉज एलुमिना कंटेंट जल्दी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करता है सीमेंट को, दैट इज़ वाई सीमेंट हैज़ बिन रिप्लेस्ड विद द लाइम। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ कंपाउंड की, फोर्थ इंग्रेडिएंट की, दैट इज आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का मेनली क्या फंक्शन है हमारे सीमेंट में, वो ये है कि इट प्रोवाइड्स द कलर टू द सीमेंट। एक्चुअली में जो आयरन ऑक्साइड है उसका खुद का कलर रेड होता है, चेरी कलर का होता है आयरन ऑक्साइड। लेकिन जब इसको हम बाकी इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करके हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो इट एक्चुअली कन्वर्ट्स इनटू द सीमेंट क्लिंकर। जो सीमेंट क्लिंकर का कलर है ना, वो होता है ग्रे कलर, डार्क ग्रे कलर होता है, ग्रीनिश ग्रे कलर होता है सीमेंट क्लिंकर का। जो वो ग्रीनिश ग्रे कलर है सीमेंट क्लिंकर का, वो कौन प्रोवाइड करता है मेनली, आयरन ऑक्साइड। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड मेनली। अब आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा है 3-5% होनी चाहिए। आयरन ऑक्साइड जो हमारे सीमेंट में मौजूद होता है बच्चों, आयरन ऑक्साइड एज अ फ्लक्स भी बिहेव करता है। फ्लक्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब ये है कि जो इंग्रेडिएंट हैं हमारे रॉ मटेरियल में, जब इनको हम भट्टी में डालकर हीट करते हैं तो एक्चुअली में अगर आयरन ऑक्साइड ना मौजूद हो, आयरन ऑक्साइड अगर ना मौजूद हो तो लगभग बहुत ज़्यादा हीट हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा फ्यूल का वेस्टेज होगा। तो एक्चुअली में जो आयरन ऑक्साइड है वो क्लिंकरिंग टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है सभी इंग्रेडिएंट के मेल्ट करने का, उस टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है। बिकॉज जिस टेम्परेचर में आयरन ऑक्साइड मेल्ट करता है, बाकी इंग्रेडिएंट काफ़ी हाई टेम्परेचर पे मेल्ट होते हैं। सो आयरन ऑक्साइड की वजह से सभी के सभी इंग्रेडिएंट का मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है। दिस इज नोन एट द फ्लक्स।
जो इंग्रेडिएंट बाकी इंग्रेडिएंट के मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर दे उसको बोला जाता है फ्लक्स। सो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि आयरन ऑक्साइड बिहेव्स लाइक अ फ्लक्स इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर द सीमेंट। अब जो मेन चार इंग्रेडिएंट हैं सीमेंट बनाने के लिए उनको सभी को डिस्कस हम कर चुके हैं, लेकिन आपको मैं बताऊं कि अगर हमारे सीमेंट में अल्कली प्रेजेंट होता है तो उसके क्या नुकसान है। अल्कली जितना कम होगा उतनी अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा हुआ 1% से भी ज़्यादा अगर हुआ तो इट विल क्रिएट द ई फ्लोरोसेंस इन आवर सीमेंट। आपने देखा होगा घरों में जो पपड़ी जम जाती है, जो वाइट वाइट कलर के धब्बे पड़ जाते हैं दीवारों पे, वाइट वाइट कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, उसको बोला जाता है ई फ्लोरोसेंस। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अल्कली इन आवर सीमेंट। अभी जो अल्कली है हमारे सीमेंट में, एक्चुअली में जब आप इसको कलेक्ट करके लेकर आएंगे किसी सोर्स से तब मौजूद हो सकता है, या जब आप कंक्रीट बनाएंगे पानी डालकर तो उस पानी में भी मौजूद हो सकता है। सो वी ट्राई टू लिमिट द क्वांटिटी ऑफ द अल्कली कंटेंट इन आवर सीमेंट बिलो 1%। देन बात करते हैं अब मैग्नीशिया कंटेंट की। मैग्नीशिया और जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है इनकी मात्रा 1-3% की रेंज में अगर हो तो अच्छी बात है। अच्छी बात इन द सेंस कि हार्मफुल इफेक्ट बहुत ही कम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर इनकी मात्रा ज़्यादा हुई तो दे विल ऑल्सो प्रोवाइड द अनसाउंड प्रॉपर्टीज टू द सीमेंट, जिसकी वजह से क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे हमारे सीमेंट के हार्ड होने पर। सो एक्चुअली में लाइम की वजह से भी ज़्यादा मात्रा में अनसाउंडनेस क्रिएट होती है, फिर आयरन लाइम कंटेंट, देन उसके बाद मैग्नीशिया कंटेंट, सल्फर ट्राइऑक्साइड और लास्ट में कैल्शियम सल्फेट, इन चारों की वजह से ज़्यादा मात्रा में होने से अनसाउंडनेस क्रिएट होती है। लाइम, देन मैग्नीशिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड कैल्शियम सल्फेट, इन चारों में से जो लाइम की वजह से अनसाउंडनेस होती है उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, जाना जा सकता है कि लाइम के इतने परसेंट ज़्यादा होने से इतना अनसाउंडनेस, इतना वॉल्यूम एक्सपैंड कर रहा है हमारे सीमेंट का। लेकिन जो अनसाउंडनेस मैग्नीशिया कंटेंट और सल्फर ट्राइऑक्साइड की वजह से होती है उसको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, और बहुत अच्छे टेस्टिंग प्रोसीजर भी हमारे पास नहीं मौजूद। सो इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके सल्फर ट्राइऑक्साइड और कैल्शियम सल्फेट की मात्रा कम से कम होनी चाहिए, और हो सके तो मैग्नीशिया कंटेंट की भी। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ ऑल द इंग्रेडिएंट यूज्ड फॉर द सीमेंट। समझे बात को? चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सीमेंट क्लिंकर। इन सभी के सभी इंग्रेडिएंट्स को जब हमें किसी भट्टी में डाल के हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो जो कंपाउंड बनता है उसको बोला जाता है सीमेंट क्लिंकर, जिसकी केमिकल कंपोजिशन अब हम डिस्कस करेंगे। अब हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ द क्लिंकर कंपाउंड। आप लोगों को मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जब भी हम सीमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं तो रॉ मटेरियल को कैल्सिनेट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे, उसके बाद जो कंपाउंड बनता है उसको बोला जाता है सीमेंट क्लिंकर, और फिर उनको ग्राइंड किया जाता है, पुलवराइज किया जाता है, और फिर जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको बोला जाता है सीमेंट। तो अभी हम पहुँचे हैं कहाँ पर? सीमेंट क्लिंकर पे। वो जो सीमेंट क्लिंकर है उसकी केमिकल कंपोजिशन टेस्टिंग हुई तो ये पाया गया कि उसमें ये चार कंपाउंड मेनली प्रेजेंट होते हैं, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट एंड फेलाइट। दीज आर द कॉमन नेम्स गिवन टू दीज फोर कंपाउंड्स विच फॉर्म्स इन द सीमेंट क्लिंकर। अब इसमें ये जो एलाइट, बेलाइट, फेलाइट, सेलाइट और फेलाइट हैं इन सभी के केमिकल नेम्स हैं। इनका कॉमन नेम तो आप जान ही चुके हैं बट दे हैव ऑल्सो द केमिकल नेम। केमिकल नेम क्या है? थ्री
कैल्शियम, 3 कंपाउंड्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड 1 कंपाउंड ऑफ द सिलिका डाइऑक्साइड, तो उसको बोला जाता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ऐसे ही जब 2 कंपाउंड्स डाई CaO लाइम के और 1 कंपाउंड सिलिकन डाइऑक्साइड का हो तो उसको हम बोलते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसी प्रकार से ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और इसी प्रकार से टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ये 4 कंपाउंड्स बनते हैं हमारे सीमेंट क्लिंकर में। इन चारों के चारों जो नाम हैं इनको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इनको सिंबलाइज किया जाता है इस प्रकार से C3S यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C2S यानी कि डाई कैल्शियम सिलिकेट, C3A यानी कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ऐसे ही C4AF यानी कि टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। समझे बात इतनी? अब ये जो चारों के चारों कंपाउंड जो सीमेंट क्लिंकर में बनते हैं इनकी जो परसेंटेज है कुछ इस प्रकार से होती है, 25-50% की रेंज में C3S फॉर्म होता है, 25-40% की रेंज में डाई कैल्शियम सिलिकेट फॉर्म होता है और 5-11% की रेंज में ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और 8-14% की रेंज में बनता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट। अब ये जो कंपाउंड्स हैं इनके अंदर जब हम वाटर मिक्स करते हैं, सीमेंट के अंदर जैसे ही वाटर मिक्स किया जाता है तो आपको पता है कि उसमें से हीट प्रोड्यूस होती है, वही जो हीट है ये चारों के चारों कंपाउंड्स अलग अलग प्रोड्यूस करते हैं ऑन एन एवरेज। सभी की जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है अलग अलग प्रोड्यूस होती है लेकिन ऑन एन एवरेज सीमेंट की एक हीट ऑफ हाइड्रेशन बोला जाता है जब उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन टेस्ट करते हैं, लेकिन इन सभी के सभी कंपाउंड्स की खुद की हीट ऑफ हाइड्रेशन होती है जो यहाँ पर लिखी हुई है। हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द C3S इज 500 जूल्स पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम ऑफ द ट्राई कैल्शियम सिलिकेट द 500 जूल्स ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ऐसे ही जो C2S है इसमें सबसे कम हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस होती है, दैट इज 260 जूल्स पर ग्राम, और सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस होती है किसमें, सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस होती है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट में, कितनी, 865 जूल्स पर ग्राम। और उसके बाद C4AF में हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस होती है 420 जूल्स पर ग्राम। सो दिस इज द कंप्लीट टेबल और इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सीमेंट क्लिंकर। नाउ अब मैं आप लोग को बताऊं कि इन चार कंपाउंड्स के अलावा कुछ इम्प्योरिटीज भी बन जाती हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही इससे पहले एक टॉपिक करवाया था केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल आप यूज़ करेंगे उसी के मुताबिक आपके सीमेंट क्लिंकर के कंपाउंड्स बनेंगे, वही आगे फर्दर सीमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे काम आती हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो जड़ क्या है? आपके रॉ मटेरियल के अंदर के इंग्रेडिएंट्स। जैसे इंग्रेडिएंट आपके रॉ मटेरियल्स के होंगे, जो जो रॉ मटेरियल आप यूज़ करेंगे जिस परसेंटेज में, उसी के मुताबिक सीमेंट क्लिंकर के कंपाउंड्स बनेंगे और वही आगे फर्दर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सीमेंट की फर्दर प्रॉपर्टीज़ के लिए। तो आपको मैंने बताया था कि सीमेंट के जो रॉ मटेरियल होते हैं उसमें उसकी परसेंटेज होती है अलग अलग कंपाउंड्स की, जिसमें इम्प्योरिटीज़ भी मौजूद होती है, मैग्नीशिया, ट्राई कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट और उसके अलावा अल्कली की। तो ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं इनकी वजह से क्या होता है कि कुछ अल्कली कंपाउंड्स भी बनते हैं सीमेंट क्लिंकर में, जिनकी मात्रा बहुत कम होती है और कम ही हो तो अच्छा है। तो वो जो अल्कली कंपाउंड्स हैं मेनली 2 प्रकार के ही बनते हैं, K2O और Na2O। मेनली K2O इज प्रीडोमिनेंट, यानी कि ज़्यादा मात्रा अल्कली कंपाउंड्स में इन द सीमेंट क्लिंकर इज ऑफ K2O। अब इतना इंफॉर्मेशन जानने के बाद अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि
ये जो एलाइट है यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, इसके क्या फंक्शंस हैं हमारे सीमेंट क्लिंकर में, यानी कि सीमेंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का क्या फंक्शन है, डाई कैल्शियम सिलिकेट का क्या फंक्शन है, ऐसे ही इन दोनों का भी। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन पांचों कंपाउंड्स के बारे में, लेकिन सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं किसके बारे में, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में। तो बच्चों ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो कंपाउंड है, इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्ली स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस इन द सीमेंट एंड इट इज वेरी इजी टू ग्राइंड। इसके अंदर ज़्यादा मात्रा ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में लाइम कंटेंट की होती है और लाइम को ग्राइंड करना आसान होता है, दैट इज़ वाई ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इज ईजी टू ग्राइंड। और इसकी वजह से जो स्ट्रेंथ है सीमेंट की अर्ली एजेस में प्राप्त होती है, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। देन आपको अगर सीमेंट की सातवें दिन की जो स्ट्रेंथ चाहिए ना, तो वो मेनली किसकी वजह से अचीव होती है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से। और आपको मैं ये भी बात बताऊं कि ये जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, इसके शुरुआती समय में स्ट्रेंथ अचीव होने का कारण क्या है, इसमें से 500 जूल्स पर ग्राम की हीट निकलती है। जितनी हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होगी आपके सीमेंट कंपाउंड में, उतना ही उसकी जो स्ट्रेंथ है जल्दी अचीव होगी, उतने ही उसकी हार्डनेस अचीव होगी। लेकिन इसके साथ साथ ये नुकसान भी होता है कि इसकी वजह से क्रैक्स डेवलप होते हैं। लेकिन अगर इसकी परसेंटेज एक रिक्वायर्ड अमाउंट में है और इसके बैक जाएं, तो इसके लिए जो लाइम कंटेंट और सिलिका कंटेंट अपने रिक्वायर्ड अमाउंट में मौजूद है रॉ मटेरियल्स में, तो उसकी वजह से ये जो कंपाउंड है ये भी इसी रेंज में बनेंगे। सो यहाँ पर 500 जूल्स पर ग्राम ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होने की वजह से अर्ली स्ट्रेंथ अचीव होती है हमारे सीमेंट की ड्यू टू द ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। और वो कौन सी स्ट्रेंथ है, सातवें दिन की स्ट्रेंथ। आपको सवाल अगर पूछा जाए दैट कि सातवें दिन की स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो आंसर कीजिएगा C3S। अब जल्दी स्ट्रेंथ अचीव होने का क्या बेनिफिट है, बेनिफिट है अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना हो एक ऐसे पर्पज़ के लिए जहाँ पे आप लोगों को जो शटरिंग वर्क है, आप लोग ये जानते होंगे कि अगर हॉस्टल बनाना है कोई, अगर हॉस्पिटल बनाना है, तो उसके कमरे सेम होते हैं लगभग उस पूरे हॉस्पिटल के और हॉस्टल के। तो जब हम उसमें शटरिंग यूज़ करते हैं तो शटरिंग का किराया लगता है एक दिन का। तो आप लोग ये जानते हैं कि ज़्यादा शटरिंग यूज़ करेंगे हर कमरे के लिए तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। तो हम क्या करते हैं कि एक ही शटरिंग खरीद के लेकर आते हैं, उसको एक दिन यूज़ किया, अगले दिन दूसरी जगह पे यूज़ करेंगे, उससे अगले दिन तीसरी जगह पे यूज़ करेंगे, ऐसे। तो पहले दिन आपके शटरिंग जितने कम समय में हटेगी एक रूम से, तो उतना ही आप उसको नेक्स्ट रूम में अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी शटरिंग को उतारने का क्या एक्चुअली में फंडा है कि आपके सीमेंट के अंदर एक रिक्वायर्ड अमाउंट में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट बना हो। और साथ ही साथ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के बनने का एक और मज़े वाली बात यह है कि आपका फ़ायदा क्या मिलेगा, रिपेयर वर्क के लिए। रिपेयर करना होता है जब हमको किसी एक रोड को या किसी एक डैम को, तो हम वहाँ पर एक्चुअली में क्या करते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा को ज़्यादा रखते हैं। देन आपको मैं ये भी बताऊं कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट यूज़ होता है ऐसे लोकेशंस पे भी जहां पर टेम्परेचर कम रहता हो, जैसे कि ठंडा इलाका, कोई ऐसे इलाके में जब आपको कंक्रीटिंग करनी हो जो ठंडा है, जहां का टेम्परेचर कम है, तो वहां पर टेम्परेचर कम होने की वजह से क्या होगा कि आपका सीमेंट वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा ड्यू टू द लो टेम्परेचर। तो पानी सूखेगा ही नहीं, सूखेगा नहीं तो स्ट्रेंथ और हार्डनेस नहीं अचीव होगी हमारे सीमेंट कंपाउंड्स की। दैट इज़ वाई क्या होता है कि अगर आपके सीमेंट कंपाउंड में ट्राई कैल्शियम सिलिकेट मौजूद है, तो उसमें से हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा रिलीज होगा, दैट विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द ओवरऑल सीमेंट। और ज़्यादा टेम्परेचर अचीव होने से क्या होगा, स्ट्रेंथ और हार्डनेस भी जल्दी अचीव हो जाएगी। समझे बात को? सो दिस इज़ द
मेन फंक्शंस ऑफ द ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। अब हम डिस्कस करेंगे डाई कैल्शियम सिलिकेट के बारे में। सो डाई कैल्शियम सिलिकेट जो है ना, मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ के लिए। शुरुआती दिनों में स्ट्रेंथ चाहिए हो तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। लेकिन काफ़ी समय बाद जो स्ट्रेंथ आ रही होती है, एक्चुअली में जो सीमेंट की 100% स्ट्रेंथ है ना, वो बहुत साल लग जाते हैं अचीव होने में। लेकिन जो 90% स्ट्रेंथ है ना, 90% स्ट्रेंथ वो 28वें दिन तक मिल जाती है हमारे सीमेंट की। लेकिन उसकी जो बाकी की बची हुई स्ट्रेंथ है वो अचीव होने में काफ़ी साल लग जाते हैं। सो जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ है, बाद की जो स्ट्रेंथ है जो एक्चुअली में ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करती है हमारे कंक्रीट या सीमेंट को, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? C2S। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, C2S इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। एक्चुअली में होता क्या है कि जो कंपाउंड C2S प्रोवाइड करता है, दे आर मोर स्टेबल देन द C3S। हालांकि दोनों के दोनों स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं हमारे सीमेंट को, लेकिन एक्चुअली में जो स्टेबल कंपाउंड्स प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है? C2S। लेकिन जो C2S की मात्रा अगर ज़्यादा मात्रा हो C2S की, तो उसकी वजह से नुकसान भी होता है। वो ये, एक तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रेशन कम है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होने की वजह से इसमें कम एक्चुअली में क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम होने की वजह से इसको हम उस इलाके में यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे फ्रीजिंग एंड थॉइंग होती हो, यानी कि ठंडे इलाके में यूज़ नहीं किया जा सकता जिसके अंदर C2S की मात्रा ज़्यादा हो। और C2S को ग्राइंड करने में भी मुश्किल आती है। ग्राइंड करना होता है ना जब हमें सीमेंट क्लिंकर को, तो अगर उसमें C2S की मात्रा ज़्यादा हुई तो ग्राइंड करने में प्रॉब्लम आएगी, आपकी मशीनरीज पे ज़्यादा लोड पड़ेगा ग्राइंड करते समय। दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ C2S, बट द बेनिफिट इज कि ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है तो उसकी वजह से स्टेबल कंपाउंड्स बनते हैं जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, और इवन केमिकल अटैक को भी बचाने में हेल्प करते हैं। कोई केमिकल आपके कंक्रीट के ऊपर पड़ जाए जो C2S मात्रा में रिच है, तो वो हेल्प करेगा आपके केमिकल अटैक को बचाने में। और केमिकल अटैक का ही एक एग्जाम्पल है सल्फेट अटैक। सल्फेट किस में मौजूद होते हैं? मिट्टी के अंदर, पानी के अंदर। बारिश का पानी जब गिरता है तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके कंक्रीट को प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उसको रोकने के लिए, उसको बचाने के लिए C2S की मात्रा बढ़ा दो, ये सॉल्यूशन है। सो हमने दो कंपाउंड्स डिस्कस कर लिए, अब हम तीसरा कंपाउंड डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज सेलाइट, दैट इज C3A। C3A किस पर्पज़ के लिए एक्चुअली में फेमस है? वो है फ्लैश सेटिंग, यानी कि क्विक सेटिंग प्रॉपर्टीज़ आपके सीमेंट को जो प्रोवाइड करता है वो कौन था? आपको रॉ मटेरियल में बताया था एल्यूमिना कंटेंट। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है सी यानी कि सेलाइट की, वो ये है कि इट प्रोवाइड्स द क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू अवर सीमेंट। फ्लैश सेटिंग होने के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। फ्लैश सेटिंग क्या होता है ये अभी कुछ देर बाद आपको मैं जब अल्कली के बारे में बताऊंगा तब पता चलेगा। अभी के लिए बस इतना समझो कि सेलाइट यानी कि C3A इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्विक सेटिंग ऑफ द सीमेंट, यानी कि फ्लैश सेटिंग ऑफ द सीमेंट। अब आपके सीमेंट के अंदर आपने पानी डाला, तो पानी डालकर उसी समय उसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस नहीं मिलती, कुछ समय लगता है स्ट्रेंथ और हार्डनेस को अचीव होने में सीमेंट की। तो अगर आपके सीमेंट के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ ये कंपाउंड्स देखे हैं तो क्विकली सेट हो जाएगा सीमेंट। इसीलिए क्विक सेटिंग ना हो, आपको थोड़ा समय लगे कि आपने जहाँ पर सीमेंट बनाया है उसको वहाँ से एक पर्टिकुलर लोकेशन पे ट्रांसपोर्ट करने तक का समय आपको मिले, तो उसमें हम 2-3% जिप्सम ऐड कर देते हैं, CaSO4। जिप्सम ऐड क्यों किया जाता है? ताकि ये जो क्विक सेटिंग है इसको थोड़ा सा रिटार्ड किया जाए, थोड़ा सा डिले किया जाए। अदरवाइज़ क्या होगा
कि जो आपका सीमेंट है बहुत जल्दी सेट हो जाएगा लेकिन हार्ड नहीं हो पाएगा, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ नहीं आएगी, वो सेट जरूर हो जाएगा। सेट होने का मतलब ये नहीं है कि हार्ड भी हो गया हो। तो दीज आर द एक्चुअली हार्मफुल इफेक्ट्स और हार्मफुल फंक्शंस ऑफ द C3A। C3A में से सबसे ज़्यादा हीट निकलती है, इसीलिए इसकी मात्रा अगर ज़्यादा होगी तो क्रैक्स डेवलप होंगे। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा हुई तो आपके सीमेंट की ये जो स्ट्रेंथ है उसको रिड्यूस कर देगा। और इसका ये भी नुकसान है कि इसकी ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि आपके सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है वो भी काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा और आपको बहुत कम समय लगेगा एक जगह से दूसरी जगह तक सीमेंट को ट्रांसपोर्ट करने में। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार हमको सीमेंट बनवाना होता है, डिज़ाइन करवाना होता है, तो कॉल करते हैं बंदे को कि भाई हमको सीमेंट भिजवा दो। तो उनके सीमेंट में अगर C3A की मात्रा ज़्यादा हुई तो वो आते आते सेट कर जाएगा उस मशीन के अंदर, वो जो ड्रम सा होता है ना उसके अंदर ही सेट कर जाएगा। इसीलिए इसकी परसेंटेज इस रेंज में होनी चाहिए। अब लास्ट जो मेन कंपाउंड है हमारे सीमेंट क्लिंकर का वो है फैलाइट, दैट इज C4AF। ये C4AF के बारे में अब डिस्कस करते हैं। ये भी फ्लैश सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसकी वजह से जो हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होती है वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू C3A, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ। इसकी वजह से जो सीमेंटिंग प्रॉपर्टी है हमारे सीमेंट की वो कम हो जाती है, बिकॉज इट हैज़ वेरी पुअर सीमेंटिंग प्रॉपर्टी। दैट्स वाई जितनी ज़्यादा कम मात्रा हो C4AF की उतना सही है, बिकॉज इट विल नॉट ऐड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। ये स्ट्रेंथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं प्ले करता, लगभग नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन होता है C4AF का। सो इन सभी के सभी कंपाउंड्स के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम अल्टीमेटली लास्ट में डिस्कस करते हैं हार्मफुल कंपाउंड्स के बारे में जो हमारे सीमेंट क्लिंकर में बनते हैं, दैट इज़ अल्कली कंपाउंड्स। ठीक, चलिए तो बच्चों हम डिस्कस करेंगे अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट प्रोसेस के बारे में। सीमेंट को बनाने के लिए जो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस यूज़ की जाती है उस पूरी प्रोसेस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए होता क्या है कि जब भी हम सीमेंट को मैन्युफैक्चर करते हैं तो सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ेगी किसकी, रॉ मटेरियल की। ये पूरा फ्लो चार्ट है सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, इसमें सबसे पहले हमको ज़रूरत पड़ती है रॉ मटेरियल की। तो हम कैलकेरियस और आर्गिलेशियस मटेरियल को कलेक्ट करते हैं उनके सोर्सेस से, जिसमें आर्गिलेशियस और कैलकेरियस मटेरियल्स क्या होते हैं मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ इंट्रोडक्शन में। देन आर्गिलेशियस और कैलकेरियस मटेरियल को कलेक्ट करके हम उनको लेकर आते हैं डंप ट्रक्स में डालकर। जो बड़ी बड़ी एक्सकेवेटिंग मशीन्स होती हैं उनको एक्सकेवेट करती हैं चट्टानों से, बड़े बड़े पत्थर 1.2 मीटर तक के साइज़ के होते हैं बड़े बड़े पत्थर। बड़े बड़े पत्थरों को हम डंप ट्रक में भर भर कर लेकर आते हैं एक पर्टिकुलर साइट पे जहाँ पर सीमेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो जब हम 1.2 मीटर के बड़े बड़े साइज़, अब सभी के सभी पत्थरों के जो साइज़ हैं लाइमस्टोन और क्ले के, वो बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं आर्गिलेशियस और कैलकेरियस कंपाउंड्स के, वो एवरेज ऑन एन एवरेज 1.2 मीटर तक का साइज़ होता है। फिर उनको हम डाल देते हैं एक क्रशिंग मशीन में, जो कि प्राइमरी क्रशिंग मशीन होती है। प्राइमरी क्रशिंग मशीन में हम क्या करते हैं, उनको रिड्यूस करते हैं साइज़ में 75 mm तक। जैसे ही 75 mm तक वो रिड्यूस हो जाता है, देन उसको दोबारा हम एक दूसरे सेकेंडरी क्रशर में डालते हैं जिसमें हम उसका साइज़ रिड्यूस कर देते हैं 25 mm तक। 25 mm तक जब साइज़ रिड्यूस हो जाता है, फिर उनको रिस्पेक्टिव ड्रम्स में, बड़े बड़े कैबिन्स में स्टोर कर लिया जाता है। जैसे कि क्ले आपने ग्राइंड किया 25 mm तक के साइज़, और उसको एक बड़े से ड्रम में कलेक्ट कर लिया स्टोरेज टैंक में। देन आप लाइमस्टोन को क्रश किया, उसको आपने स्टोर कर लिया उसके रिस्पेक्टिव स्टोरेज टैंक में।
तो ये जो अलग अलग मटेरियल हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, उसके अंदर हमको लाइम मिलता है सीमेंट को बनाने के लिए, और क्ले यानी कि आर्गिलेशियस जो टैंक होता है 25 mm के साइज़ के पार्टिकल्स का, उसके अंदर मेनली सिलिका, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड हमें मिलता है। देन हम क्या करते हैं, सीमेंट बनाने के लिए जितनी प्रोपोर्शन की ज़रूरत है उतना प्रोपोर्शन, ये सब मैनुअली भी काम करते हैं और ये सब ऑटोमेटिक भी होते हैं, इनके साथ कंप्यूटराइज्ड एक्चुअली लेबोरेटरी होती है जो कमांड देती है कि भाई इतना क्वांटिटी में हमको क्ले चाहिए, इतनी क्वांटिटी में हमको लाइम चाहिए, तो उनको एक कन्वेयर बेल्ट पे डाल दिया जाता है और वो आगे ट्रांसफ़र हो जाती है। आगे ट्रांसफ़र जैसे ही होती है तो उनको फाइन ग्राइंड किया जाता है एक मिल के अंदर, जिसको बोला जाता है बॉल मिल या ट्यूब मिल। बड़ी फाइन ग्राइंडिंग करती है वो मशीन, इतनी सुपीरियर क्वालिटी की मशीन होती है। उस मशीन के अंदर बिल्कुल फाइन पाउडर में हम इनको ग्राइंड कर देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि जो हमने लाइमस्टोन और क्ले जो हम लेकर आए हैं किसी सोर्स से, उसके अंदर अब जो भी चट्टान या जो भी आप पत्थर तोड़कर लेकर आएंगे, ज़रूरी थोड़ी है कि वो सारा का सारा लाइम का बना हो, सारा का सारा क्ले का बना हो। आपने उसको 25 mm तक रिड्यूस करके बाद में फर्दर ग्राइंडिंग की, तो ग्राइंडिंग करने के बाद हम टेस्ट करते हैं केमिकल कंपोजिशन की, भाई इसमें क्ले इसकी प्रॉपर अमाउंट में है या नहीं, लाइम कंटेंट प्रॉपर 60-65% की रेंज में है या नहीं। देन सिलिका कंटेंट चेक करते हैं कि इसके अंदर 17-25% की रेंज में है या नहीं। देन हम ये भी चेक करते हैं कि आयरन कंटेंट इसके रिस्पेक्टिव अमाउंट में है या नहीं। अगर कोई भी कमी होती है तो हम उसको आगे फर्दर ब्लेंड कर देते हैं उस पर्टिकुलर अमाउंट से। जैसे मान लो कि क्ले की मात्रा कम है जो हम सोर्स से कलेक्ट करके लेकर आए हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा क्ले, उसमें एक्स्ट्रा लाइमस्टोन कंटेंट ऐड कर दिया जाएगा, एक्स्ट्रा क्ले कंटेंट ऐड कर दिया जाएगा जो भी कम होगा, ठीक। तो वो फाइन ग्राइंडिंग मशीन यानी कि बॉल मिल या ट्यूब मिल से पास होकर जाता है किसमें, ब्लेंडिंग मिल में, यानी कि ब्लेंडिंग जो ऐड करती है कुछ जो भी कम होता है, फिर वो पास हो जाता है किस पे, प्री हीटिंग चैम्बर में। ये सारा का सारा जो मटेरियल आपने बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लिया था, इसको हम प्री हीटिंग चैम्बर में डाल देते हैं। प्री हीटिंग चैम्बर में लगभग जो टेम्परेचर है बच्चों, 60% से 850 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। 60 डिग्री सेल्सियस से लेकर, मैंने प्रतिशत बोल दिया, सॉरी फॉर दैट, 60 डिग्री सेल्सियस से लेकर 850 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है इन द प्री हीटिंग चैम्बर। ये प्री हीटिंग चैम्बर एक्चुअली स्टेजेस में होते हैं, स्टेजेस में ये प्री हीटिंग चैम्बर्स एक्चुअली लगे होते हैं। इनके थ्रू होकर गुजरना होता है हमारे इस फाइन मिक्सचर को, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ लाइमस्टोन एंड द क्ले कंटेंट। जब ये उस प्री हीटिंग चैम्बर में से होकर निकलता है तो इसके अंदर का जो मॉइस्चर है, जो गैसेस हैं, वो रिमूव हो जाती हैं। देन इसको फिर हम डालते हैं किसके अंदर, किल्न के अंदर, जिसको बोला जाता है रोटरी किल्न, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉरली विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर। तो ये जो रोटरी किल्न है, ये रोटेट करती है, एक बहुत बड़ा लेंथ में ड्रम होता है, लगभग आप समझ लो 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर तक की लेंथ का, 100 मीटर तक की रेस लगाई होगी आपने, तो सोचो कितना बड़ा होता है 100 मीटर, तो 200-300 मीटर तक के लेंथ का एक ड्रम होता है। उस ड्रम में एक्चुअली क्या होता है कि जोन होते हैं बने हुए, एक साइड से बहुत हाई टेम्परेचर होता है उस ड्रम के एक साइड पर हाई टेम्परेचर, एक्चुअली आग लगी होती है एक साइड, और दूसरी साइड से ये मान लो, लेट अस सपोज, ये समझ लो कि दिस इज़ अ रोटरी किल्न, ये एक्चुअली में इस तरीके से रोटेट कर रही है। इसके एक साइड हाई टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ, इधर से ही तो मेन एक्चुअली में फ्यूल इधर से इंसर्ट किया जा रहा है, इधर से ही सबसे ज़्यादा आग लगी हुई है, इधर से ही सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस तरफ से हम जो मिक्सचर है जिसको प्री हीटिंग चैम्बर में से निकाल कर हम रोटरी किल्न में डालते हैं, तो पहला जोन होता है
मेनली ड्राइंग जोन, ड्राई उसमें ड्राई किया जाता है, प्री हीटिंग चैम्बर से आगे फर्दर कोई भी मॉइस्चर या गैसेज रह गई हैं तो उसको ड्राइंग जोन में रिमूव करवा दिया जाता है। ड्राइंग जोन के बाद फिर वो ट्रांसफ़र हो जाती हैं किसमें, इवेपोरेटिंग जोन में। इवेपोरेटिंग जोन में क्या कोई गैसेज है तो वो इवेपोरेट हो जाती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट लास्ट में जो सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है रोटरी किल्न में, वो होता है कैल्साइनिंग जोन, यानी कि कैल्सिनेशन जोन। सो तीन जोन में डिवाइडेड होता है पूरा रोटरी किल्न, जिसमें अलग अलग टेम्परेचर होता है। सो ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो हमको सीमेंट को बनाने के लिए लगभग 1400 डिग्री से 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है। 60 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस तो पहले ही उसमें प्री हीटिंग चैम्बर में हीट हो जाता है, बाकी की जो हीट है वो दी जाती है इन द रोटरी किल्न। जैसे ही रोटरी किल्न से होकर वो मिक्सचर निकलेगा तो वो बन जाएंगे लम्प्स ऑफ द सीमेंट क्लिंकर, जो कि 3 mm से 20 mm तक के साइज़ की रेंज में होते हैं। उनको फिर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कूलिंग जोन में। कूलिंग जोन या कूलिंग चैम्बर होता है, उस कूलिंग चैम्बर में इनको स्टोर कर लिया जाता है पूरे सीमेंट क्लिंकर को। उस कूलिंग चैम्बर में जो भी उस जब भी हम सीमेंट उस क्लिंकर को ठंडा करेंगे तो उसकी जो हीट है कहीं ना कहीं तो जाएगी। वही हीट एक्चुअली में रिसाइकल की जाती है किस पर्पस के लिए, फॉर द प्री हीटिंग पर्पस। वही कूलिंग चैम्बर में से निकली हुई हीट को रिसाइकल किया जाता है किस पर्पस के लिए, फॉर द प्री हीटिंग चैम्बर। सो दिस इज द फंडा बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर। उसको कूलिंग चैम्बर में ठंडा किया जाता है, फिर उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है किसमें, ग्राइंडिंग मिल में। एक ग्राइंडिंग मिल दोबारा से आगे एक और लगी होती है, ट्यूब मिल या बॉल मिल, उसको कुछ भी बोल सकते हैं आप। उसमें हम उसको ग्राइंड करते हैं बिल्कुल फाइन पाउडर में, और उसके बाद उसको आगे फर्दर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ब्लेंडिंग प्लांट में। ब्लेंडिंग प्लांट में हम क्यों ट्रांसफ़र करते हैं, बिकॉज वहाँ पर उसमें ऐड किया जाता है जिप्सम 2-3%। या आप कोई एडमिक्सचर ऐड करना चाहते हैं आप अपने सीमेंट में, तो वो एडमिक्सचर भी ऐड कर दिया जाता है इन द ब्लेंडिंग प्लांट। या आप कोई कलर्ड सीमेंट बनाना चाहते हैं, या कोई क्विक सेटिंग सीमेंट बनाना चाहते हैं, अलग अलग प्रकार के सीमेंट होते हैं। जो भी टाइप का सीमेंट आप बनाना चाहते हैं तो वो जैसे ही ग्राइंडिंग मिल से आगे जाएगा तो वहाँ पे होगा ब्लेंडिंग प्लांट। उस ब्लेंडिंग प्लांट में हम ब्लेंड करते हैं सीमेंट क्लिंकर जो पाउडर फॉर्म में है उसको, यानी कि जो भी आपको टाइप का सीमेंट बनाना होगा उस प्रकार का आप कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट डालकर वो टाइप का सीमेंट बना लेते हैं हम। समझे बात को? सो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसीजर बाय विच वी मैन्युफैक्चर द सीमेंट। जैसे ही वो ब्लेंडिंग प्लांट से आगे जाता है उनको स्टोर कर लिया जाता है बड़े बड़े ड्रम्स में, और वहाँ से फर्दर आप उनको डालते हैं बैग्स में, जिनको बोला जाता है सीमेंट बैग्स, और फिर उनको शिप कर दिया जाता है पर्टिकुलर कंपनीज में जो आगे फर्दर सेल करती हैं सीमेंट बैग्स को। सो दिस इज़ द कंप्लीट पिक्चर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट। नाउ यहाँ तक डिस्कस करने के बाद अब मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ दो प्रकार की प्रोसेसेस जो यूज़ की जाती हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए सीमेंट को। मेनली बच्चों पहले समय में, आज से कोई 25-30 साल पहले, हम मेनली यूज़ किया करते थे वेट प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। लेकिन आज के समय में जो सबसे सुपीरियर क्वालिटी की जो एक प्रोसेस है वो यूज़ की जाती है मैन्युफैक्चर करने के लिए सीमेंट को, उसको बोला जाता है ड्राई प्रोसेस। वेट प्रोसेस और ड्राई प्रोसेस में फ़र्क बस इतना है बच्चों कि जैसे अभी मैं दोबारा से आप लोगों को उसी फ्लो चार्ट पे लेकर आता हूँ जो मैंने अभी बताया था आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के बारे में। ये जो पूरा फ्लो चार्ट है, इस पूरे फ्लो चार्ट में जो आप देख रहे हैं दिस इज़ द मेनली ड्राई प्रोसेस। लेकिन वेट प्रोसेस कैसी होती है? वेट प्रोसेस में आप क्या करते हैं, जो मटेरियल है इनिशियल स्टेज में जो आप सोर्स से कलेक्ट करके लेकर आते हैं उसके अंदर वाटर ऐड किया जाता है बाहर से, ताकि आप जब उसको ग्राइंड करें तो ग्राइंड करते समय उसको फाइन ग्राइंड किया जाता है और उसके अंदर वाटर मिक्स कर दिया जाता है और उसकी स्लरी बना ली जाती है। उस स्लरी को डायरेक्टली हम
रोटरी किल्न में डालते हैं, कोई प्री हीटिंग चैम्बर नहीं होता उसके लिए, सीधा डायरेक्टली रोटरी किल्न में डाला जाता है। अब नुकसान क्या होता है वेट प्रोसेस का, कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेजेस रहे होंगे, तभी तो जाकर हमने ड्राई प्रोसेस को यूज़ करना स्टार्ट किया। सबसे पहला डिसएडवांटेज वेट प्रोसेस का ये था कि ज़्यादा फ्यूल की वेस्टेज होती थी, वेट स्लरी होने की वजह से उसमें ज़्यादा फ्यूल लगेगा एज कम्पेयर टू द ड्राई मटीरियल। देन दूसरा डिसएडवांटेज ये था कि बड़े बड़े रोटरी किल्न, बड़े बड़े आप लोगों के स्टोरेज चैम्बर हुआ करते थे, जिनके लिए एक्चुअली में क्या है कि अगर डिमांड कम हो तो भी हमको उतना ही प्रोड्यूस करना पड़ता था, तो ये प्रॉपरली हम जो क्वांटिटी है उसको मैनेज नहीं कर पाते थे, कंट्रोल नहीं कर पाते थे। दैट्स व्हाई वी रिप्लेस द वेट प्रोसेस विद द ड्राई प्रोसेस। देन यहाँ तक होने के बाद तीसरा डिसएडवांटेज इसका ये था कि जो क्वालिटी है सीमेंट की वो ज़्यादा अच्छी होती है ड्राई प्रोसेस में एज़ कम्पेयर टू वेट प्रोसेस, क्योंकि प्री हीटिंग चैम्बर की वजह से क्या होता है, आप लोगों को मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो आप समझो कि आपके पास कागज़ के टुकड़े हैं, वो कागज़ के टुकड़े आप लोगों ने गीले कर रखे हैं, तो अगर उसको आप जलाने की कोशिश करोगे ना तो वो जलेंगे नहीं, थोड़ा समय लगेगा, पहले सूखेंगे फिर जाकर वो जलना स्टार्ट होंगे। लेकिन अगर आप उसको पहले से ही प्री हीट कर दो, यानी कि सूखे हुए कागज़ को अगर आप प्री हीट कर दो तो वो बिल्कुल करारे हो जाएंगे कागज़, उनको जब आप जलाने की कोशिश करेंगे तो वो झट से जल जाएंगे। सो इसमें आपका जो 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 भी आपका सीमेंट बनेगा ना वो अच्छी क्वालिटी का बनता है इन द ड्राई प्रोसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द 5-stage प्री हीटिंग चैम्बर, और उसके बाद में जो रोटरी किल्न है वो भी आपको हेल्प करती है। अब आपको मैं बताता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसके रिगार्डिंग आप लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में हम रोटरी किल्न यूज़ करते हैं वो कितनी स्पीड से रोटेट करती है, 1, 2, 3 रोटेशन पर मिनट, यानी कि एक मिनट में एक या दो रोटेशंस वो लेती है रोटरी किल्न, दिस इज़ द स्पीड ऑफ द रोटरी किल्न। देन रोटरी किल्न में कितने जोन होते हैं, कौन कौन से जोन होते हैं, सबसे लास्ट वाला जोन कौन सा होता है, सबसे पहले वाला जोन कौन सा होता है, मिड वाला जोन कौन सा होता है, या सीक्वेंस क्या है जोन्स का, ये आपको पूछा जा सकता है। प्री हीटिंग चैम्बर्स में कितना टेम्परेचर होता है, देन जो हम सीमेंट मैन्युफैक्चर करते हैं उसको कितने टेम्परेचर तक हीट किया जाता है, ये कुछ सवाल हैं जो आप लोगों को पूछे जा सकते हैं फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ सीमेंट। या आपको ये पूछा जा सकता है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस ऑफ द वेट एंड ड्राई प्रोसेस, ये पूछा जा सकता है, या डिफरेंस पूछा जा सकता है दोनों के बीच में। तो ये सब कुछ आप लोगों को मालूम होना चाहिए फ्रॉम दिस टॉपिक। अब ये जो टॉपिक है सिर्फ आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, पूरे इस चैप्टर को समझने में भी हेल्प करेगा। आपको समझ आ जाएगा इसी पर्टिकुलर टॉपिक के बाद कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, सीमेंट के लिए हम कौन सा रॉ मटेरियल लेकर आते हैं, वो कैसा रॉ मटेरियल अच्छा रहेगा, फिर उसको फर्दर किस पर्टिकुलर तरीके से हम स्टेज वाइज उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ से आगे फर्दर अब आपको आसानी होगी अल्कली कंपाउंड्स को समझने में, देन उसके बाद में हम समझेंगे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। सो दोस्तों, हम डिस्कस करने वाले हैं अब अल्कली कंपाउंड्स के बारे में, विच आर द इम्प्योरिटी इन द सीमेंट क्लिंकर। अब देखो बच्चों, जो अल्कली कंपाउंड्स हैं ना, ये हमारे सीमेंट क्लिंकर के अंदर प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स। जो पोटेशियम और सोडियम की जो अल्कली कंपाउंड्स हैं वो मेनली प्रेजेंट होते हैं किसकी फॉर्म में, सल्फेट्स की फॉर्म में, जैसे कि K2SO4 या Na2SO4। तो ये जो अल्कली कंपाउंड्स हैं इनका एक बिहेवियर या करेक्टरिस्टिक ये है कि ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। जैसे ही वाटर के कॉन्टैक्ट में आती है कोई भी अल्कली कंपाउंड तो वो इजीली उसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द अल्कली कंपाउंड। नाउ अब होता क्या है
कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि जिप्सम ऐड करते हैं ताकि ये जो सेलाइट है यानी कि C3A इसकी वजह से रिएक्शन फास्ट ना हो जाए, जो एलुमिना कंटेंट है वो रिएक्शन को फास्ट ना करे जिसकी वजह से क्रैक ना डेवलप हो हमारे सीमेंट में, तो हम जिप्सम ऐड कर देते हैं। सो होता क्या है, जिप्सम को ऐड किया गया है किस पर्पज़ के लिए, ताकि जो सेटिंग टाइम है वो थोड़ा डिले हो सके। सेटिंग टाइम अगर डिले होगा तो प्रॉपर स्ट्रेंथ डेवलप होगी, एक हम कह सकते हैं स्टेबल स्ट्रेंथनिंग कंपाउंड्स फॉर्म होंगे हमारे CSH जेल के यानी कि सीमेंट पेस्ट के। अब हम करते क्या हैं, एक्चुअली में जिप्सम ऐड किया ताकि सेटिंग डिले हो सके, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि जो अल्कली है कैसे नुकसान पैदा करती है हमारे सीमेंट के अंदर, अल्कली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर व्हेन रिएक्ट विद द जिप्सम, जब वो अल्कली रिएक्ट करती है जिप्सम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट फॉर्म अ कंपाउंड विच इज़ नोन एज सिंगनाइट, विच इज़ नोन एज सिंगनाइट। अब ये जो सिंगनाइट है, ये जो सिंगनाइट कंपाउंड है, इसको बोला जाता है लम्प्स ऑफ सीमेंट, ये सीमेंट के लम्प्स बन जाते हैं, उसको बोला जाता है सिंगनाइट। ये तो आप लोगों को मैं एक लिखी लिखाई बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली इसका मतलब समझो। होता क्या है, आप सीमेंट का बैग खरीद कर लेकर आए, सीमेंट के बैग के अंदर सारे के सारे ये कंपाउंड्स मौजूद हैं, अगर उसके अंदर अल्कली जितनी कम होगी वो उतना अच्छा कंपाउंड होगा, यानी कि हम चाहते ही नहीं हैं। आप ये समझ लो कि जो अच्छी कंपनीज सीमेंट को सेल करती हैं उनके अंदर अल्कली कंपाउंड्स नहीं होगा, अगर आप घटिया क्वालिटी का सीमेंट खरीद कर लेकर आते हो तो उसके अंदर अल्कली होने के चांसेस होते हैं। अब अगर आपके सीमेंट के अंदर अल्कली भी मौजूद है कम मात्रा में और साथ ही साथ C3A भी प्रेजेंट है, तो C3A विल क्या होगा कि यहाँ पर C3A के जो रिएक्शन है उसको डिले करने के लिए हम क्या डालते हैं उसमें, जिप्सम। तो जिप्सम भी उस सीमेंट में डला हुआ है, C3A, C2S, C3S, C4AF, ये सब कुछ प्रेजेंट है, उसके साथ साथ जिप्सम भी प्रेजेंट है सीमेंट के अंदर। तो जिप्सम का मेन काम ये था कि इसके रिएक्शन को डिले करे, लेकिन उसके अंदर अल्कली प्रेजेंट होने की वजह से अल्कली के साथ जिप्सम रिएक्ट कर जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और बना लेता है लम्प्स, यानी कि आपके सीमेंट के अंदर जिप्सम भी है अल्कली भी है। तो एनवायरनमेंट में आपने बाहर कहीं पर या स्टोरेज जो आपका केबिन है या जो स्टोरेज के लिए आपने कोई घर सा बना रखा है या जो स्टोरेज के लिए कोई रूम बना रखा है या स्टोरेज के लिए कोई रूम नहीं भी बनाया और आपने बाहर कहीं पे सीमेंट के बैग रख दिए अपने, आप जब भी सीमेंट खरीद कर लेकर आते हैं ना तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि सीमेंट के बैग अगर आप खरीद कर लेकर आ रहे हैं बल्क में तो प्लीज़ कीप देम इन अ पर्टिकुलर रूम जहाँ पर एयर का पासेज ना होता हो, क्योंकि एयर के अंदर मॉइस्चर होता है, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और बना लेगा सिंगनाइट, सिंगनाइट यानी कि लम्प्स। इसी वजह से कई बार क्या होता है, कुछ दिन तक आपका सीमेंट का बैग अगर ऐसे ही पड़ा रहे तो वो पत्थर बन जाता है, उसको तोड़ना पड़ता है, वो किसी काम का नहीं होता है। सो दिस इज़ नोन एज द फ्लैश सेट और वी कैन ऑल्सो से इट एज फॉल्स सेट। फ्लैश सेट और फॉल्स सेट अलग अलग टर्म्स हैं। अगर आपके सीमेंट में जो सिंगनाइट है बहुत जल्दी प्रेसिपिटेट होकर बन जाता है तो उसको बोला जाता है फॉल्स सेटिंग। फॉल्स सेटिंग होने के मेनली कारण क्या होते हैं, एक्चुअली में फॉल्स सेट होता क्या है और डिटेल में बताता हूँ। फॉल्स सेट होने का मतलब कि आपका सीमेंट एक ऐसा सीमेंट है जिसमें आपने सीमेंट के अंदर वाटर ऐड किया तो उसके अंदर हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं रिलीज़ होगी और वो सेट हो जाएगा। हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज़ नहीं हुई इसका मतलब ये कि वो हार्ड नहीं हो पाएगा, सेट हो जाएगा। और जब आप उसको एक बार मिक्स करने के बाद कुछ देर तक रखेंगे उसमें से हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं निकलेगी लेकिन वो सेट हो जाएगा। फिर जब उसको दोबारा से आप मिक्स करोगे उस मिक्स किए हुए सीमेंट को तो वो दोबारा रीमिक्स हो सकता है। सो दिस इज नोन एज द फॉल्स सेटिंग। इसके कारण क्या है फॉल्स सेट होने के,
फॉल्स सेटिंग के बच्चों कारण ये हैं कि जब आप अपने सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के समय क्लिंकर को गरम गरम ग्राइंड कर देते हैं, जो आप भट्टी से जैसे ही क्लिंकर निकलता है उसको उसी समय पर ग्राइंड करने का ये नुकसान होता है। आपने घर पे कभी पीनट बटर बनाया हो तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, पीनट्स को रोस्ट करते हैं कढ़ाई में, रोस्ट करके फिर उनको पहले ठंडा किया जाता है और फिर उनको ग्राइंड किया जाता है। आप सीधा डायरेक्टली जब उसको ग्राइंड कर देंगे तो उसकी एक्चुअली में क्या है, पेस्ट बन जाएगी। अगर आप उसको प्रॉपर वे में बनाना चाहते हैं जो आपको चाहिए, अगर आप उसका पाउडर बनाना चाहते हैं तो पाउडर तभी बन पाएगा जब आप उसको पहले ठंडा करेंगे, अदरवाइज उसकी पेस्ट बन जाएगी। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको किसी भी तरीके से फॉल्स सेटिंग होने से बचाना है, सो यू हैव टू डू दिस कि आपको सीमेंट क्लिंकर को गरम गरम ग्राइंड नहीं करना है। पहला कारण तो ये फॉल्स सेटिंग होने का पहला कारण यह है। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ अल्कली, अल्कली के प्रेजेंट होने की वजह से भी फॉल्स सेटिंग होती है, समझे। नाउ दूसरी टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपके सीमेंट के अंदर ज़्यादा मात्रा में सिंगनाइट की फॉर्मेशन होती है, दैट मीन्स देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उसमें फॉल्स सेटिंग हो चुकी है। फॉल्स सेटिंग मैं पहले बोल रहा था, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लैश सेटिंग। फ्लैश सेटिंग का मतलब यह है कि आपके सीमेंट के अंदर ज़्यादा मात्रा में जब सिंगनाइट की प्रेजेंस हो तो उसका मतलब उसके अंदर क्या बन चुका है, उसके अंदर जितना भी जिप्सम था, एक्चुअली में जिप्सम किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता था, डिले करने के लिए रिएक्शन को, लेकिन वो किस पर्पज़ के लिए किस काम में यूज़ हो गया, सिंगनाइट बनाने में। तो सिंगनाइट बनाने में वो यूज़ हो गया सारा का सारा, ज़्यादा मात्रा में सिंगनाइट तभी बनेगा ना जब सारा का सारा जिप्सम अल्कली के साथ रिएक्ट कर जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और जो बाकी का आपका सीमेंट है वो क्या होगा, वो हो जाएगा, बना देगा लम्ब्स। सो दिस इज़ द रीज़न फ्लैश सेटिंग के। अब फ्लैश सेटिंग होने के क्या क्या कारण हैं, एक्चुअली में फ्लैश सेटिंग के बारे में और आपको बताऊँ तो फ्लैश सेटिंग इज़ अ फिनोमिना और एक्चुअली डिसएडवांटेज टू आवर सीमेंट, बाय विच व्हाट हैपन्स इज कि हमारे सीमेंट में क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में सिंगनाइट बन जाता है, जिसकी वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन भी रिलीज़ होती है। जब हम सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो उसके अंदर से हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज़ होती है, लेकिन उस सीमेंट को दोबारा मिक्स करना पॉसिबल नहीं है जैसे फॉल्स सेटिंग में होता था। फॉल्स सेटिंग में एक बार मिक्स करने के बाद आपके उस सीमेंट में से हीट ऑफ हाइड्रेशन नहीं निकलती थी और उसको दोबारा से मिक्स किया जा सकता था थोड़ी देर बाद, लेकिन ऐसा यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता फ्लैश सेटिंग में। फ्लैश सेटिंग में क्या होता है कि एक बार आपने जब सीमेंट को मिक्स कर दिया विद वाटर, उसमें से हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होगा, उसके बाद आप दोबारा उसको मिक्स नहीं कर सकते अगेन। देन इसके कारण क्या हैं, आप लोगों को सवाल पूछे जा सकता है, व्हाट इज़ फ्लैश सेटिंग, व्हाट इज़ फॉल्स सेटिंग, फिर अल्कली जो प्रेजेंट होता है हमारे सीमेंट में उसकी वजह से कौन सा हार्मफुल कंपाउंड बनता है जिसको लम्ब्स बोला जाता है, ऐसे कुछ सवाल आप लोगों से पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द रीजंस ऑफ द फ्लैश सेटिंग। फॉल्स सेटिंग के रीज़न मैंने आपको बता दिए थे, व्हेन वी ग्राइंड द हॉट क्लिंकर और प्रेजेंस ऑफ अल्कली, लेकिन फ्लैश सेटिंग के कारण क्या है, सबसे पहला कारण प्रेजेंस ऑफ C3A, ज़्यादा मात्रा में C3A प्रेजेंट होगा तो ये भी एक कारण है। देन दूसरा कारण, सेकंड, आप लोगों को मैंने जब C3A के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि C3A की मात्रा अगर ज़्यादा होती है तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट करने की कोशिश करता है, तो दिस मे बी अ रीज़न फॉर द फ्लैश सेटिंग। इसीलिए मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं कि जो सिंगनाइट बने या ना बने वो उसका कारण अल्कली ही है, उसका कारण ये भी हो सकता है फ्लैश सेटिंग का ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ C3A। देन दूसरा कारण है फ्लैश सेटिंग का प्रेजेंस ऑफ अल्कली कंपाउंड्स। तीसरा कारण है व्हेन वी यूज जिप्सम इन अवर सीमेंट इन द लेस क्वांटिटी, 2-3% एटलीस्ट ऐड करना पड़ता है रिएक्शन को
स्लो करने के लिए, सेटिंग को स्लो करने के लिए, डिले करने के लिए, अगर उतना भी आप ऐड नहीं कर रहे हैं सीमेंट क्लिंकर को ग्राइंड करते समय, सो दिस इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैश सेटिंग. सो दिस इज द कंप्लीट सिनारियो अबाउट द अल्कलीज. अल्कलीज की वजह से जो दो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, फ्लैश सेटिंग एंड फॉल सेटिंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो है हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट. सो लेट अस टॉक अबाउट दैट. सीमेंट के बारे में, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एक एक्चुअली में फिनोमिना है, हाँ या हम कैसे भी इसको डिफाइन कर सकते हैं. बस द थिंग इज, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट मीन्स द रिएक्शन ऑफ सीमेंट विद वाटर. जब सीमेंट के अंदर पानी हम डालते हैं तो जो भी कंपाउंड बनता है उनके बीच में रिएक्शन के बाद, उसको बोला जाता है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट. वही कंपाउंड की हमको ज़रूरत होती है जब भी हम सीमेंट को एज अ यूज़ करते हैं बाइंडर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट. सो जो कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बनता है इस हाइड्रेशन रिएक्शन में, सिर्फ और सिर्फ इसी कंपाउंड के अलावा आपके पास एक और कंपाउंड बनता है. सिर्फ यही नहीं बनता, इसके अलावा भी एक और कंपाउंड बनता है जिसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सो दिस इज़ द कंप्लीट रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर. सीमेंट व्हेन रिएक्ट विद वाटर इट फॉर्म्स द कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में एक हीट इवॉल्व होती है या हीट रिलीज होती है जो कि एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है, उसको बोला जाता है हीट ऑफ हाइड्रेशन. समझे बात? नाउ अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हम हाइड्रेशन रिएक्शन करवाते हैं सीमेंट की, तो सीमेंट एक्चुअली किन कंपाउंड से मिलकर बना है. एक्चुअली में सीमेंट मिलकर बना होता है चार कंपाउंड से, जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं सीमेंट की स्ट्रेंथ के लिए. लेकिन उन चारों में से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं सीमेंट की स्ट्रेंथ के लिए C3S एंड C2S. C3S एंड C2S, जिसमें C3A एंड C4AF दे प्ले वेरी निग्लिजिबल रोल इन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट. सो दे हैव वेरी निग्लिजिबल कॉन्ट्रीब्यूशन इन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट. कौन? C3A एंड C4AF. तो मेनली C3S और C2S, इनकी अगर हम हाइड्रेशन रिएक्शन करवाएं वाटर के साथ, तो हमको कितना वाटर की रिक्वायरमेंट होगी और इनकी वजह से कितने अमाउंट में CS जल का फॉर्मेशन होगा और कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज होगा इन दोनों की रिएक्शन में, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. वो रहा आपके सामने. जब C3S यानी कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के अंदर हम 24 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि अगर हम 100 ग्राम ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट लें तो उसमें हमको 24 ग्राम ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ेगी फॉर द हाइड्रेशन रिएक्शन. 100 ग्राम ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट में 24 ग्राम ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ेगी. देन रिएक्शन के बाद 75 ग्राम ऑफ कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट बनेगा और 49 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा. और उसमें से हीट ऑफ हाइड्रेशन कितनी रिलीज होगी? 500 ग्राम जूल्स पर ग्राम. समझे बात को? सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ हाइड्रेशन ऑफ C3S. ऐसे ही जब हम C2S का रिएक्शन करवाते हैं 100 ग्राम ऑफ C2S का, तो उसके लिए हमें 21 ग्राम ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ेगी. 100 ग्राम ऑफ C2S के लिए 21 ग्राम ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है और 100 ग्राम ऑफ C3S के लिए 24 ग्राम ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है. तो यहाँ पर जब C2S का रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, तो CSS जल कितना बनेगा? 99 ग्राम. और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना बनेगा? 22 ग्राम. सो यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना रिलीज होता था, मैंने आपको कल ही बताया था, 260 जूल्स पर ग्राम. सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द टू
कंपाउंड्स विच आर द बोग कंपाउंड्स, जिसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है जी। नाउ अब आपको मैं बताता हूँ कि ये जो रिएक्शंस हैं इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर जो CaOH2 रिलीज हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये अनडिज़ायरेबल है हमारे सीमेंट के लिए। अनडिज़ायरेबल का मतलब ये हार्मफुल है हमारे सीमेंट के लिए, बिकॉज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ना एक्चुअली में क्या है, वाटर सोल्यूबल होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर सोल्यूबल होता है। जैसे ही ये वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है ड्यू टू एनी रीज़न, तो इट विल फॉर्म द आयन्स, आयन्स बना लेगा अपने Ca2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव के। तो जब ये आयन्स बन जाते हैं, तो आयन्स बनने के बाद इट विल ईजिली रिएक्ट विद द सल्फेट प्रेजेंट इन द सोयल और सल्फेट प्रेजेंट इन द रेन वाटर और सल्फेट विच कैन एंटर इन द कंक्रीट। हमने एक सीमेंट यूज़ किया, लेट अस सपोज हमारे स्ट्रक्चर्स में, उसके अंदर उस पर्टिकुलर कंक्रीट के अंदर अगर सीमेंट जो मौजूद है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज हो रखा हो, तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा सल्फेट्स के साथ। सल्फेट्स कहाँ पर मौजूद होते हैं, ज़मीन में। जब हमारी फाउंडेशन ज़मीन में होगी तो वो सल्फेट्स एंटर कर सकते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ प्रेजेंट इन द सीमेंट उसके साथ। जैसे वो रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म अ कंपाउंड विच इज़ नोन एज CaSO4, यानी कि जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाएगा। और वही जिप्सम आगे फर्दर सीमेंट के अंदर जो C3A होता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, उसके साथ रिएक्ट करके फर्दर एक बहुत हार्मफुल कंपाउंड का जन्म देता है, जिसको बोला जाता है एट्रिंगाइट। एट्रिंगाइट एक्चुअली में इतना हार्मफुल है हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन की वजह से क्रैक डेवलप हो जाते हैं स्ट्रक्चर्स में, और उसकी वजह से हमारा पूरा स्ट्रक्चर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। सो दिस इज़ द अटैक नोन एज सल्फेट अटैक। सल्फेट ही अगर ना मौजूद होते तो हमारे स्ट्रक्चर में जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो रिएक्ट ही ना करता सल्फेट्स के साथ। तो सल्फेट्स तो आएंगे ही आएंगे सोयल के थ्रू या रेन वाटर के थ्रू। तो हमारे सीमेंट के अंदर CaOH2 ही कम बने तो अच्छी बात है। तो CaOH2 कम बनवाने का क्या तरीका है? पहला तरीका तो भाई ये है कि आप C3S की बजाय C2S ज़्यादा बनने दो आपके सीमेंट में। वो कब ज़्यादा बनेगा? When you will use the silica content in the larger amount. That is why मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो C2S है इसकी वजह से स्टेबल कंपाउंड्स बनते हैं जो अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, देन फर्दर केमिकल अटैक्स को भी रिजिस्ट करते हैं, जैसे कि सल्फेट अटैक। बताया था कि नहीं? बिल्कुल। देन अब एक और तरीका होता है सल्फेट अटैक को रिजिस्ट करने का, वो ये कि हम अगर पोजोलेनिक मटेरियल को ग्राइंड करें, मैन्युफैक्चरिंग क्लिंकर को ग्राइंड करते समय, क्लिंकर को ग्राइंड करते समय अगर हम वहाँ पर पोजोलेनिक मटेरियल ऐड कर दें, ब्लेंड कर दें और फिर उसको ग्राइंड करें सीमेंट क्लिंकर को, तो उस समय जो कैल्शियम हाइड्रेट रिलीज होगा, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिएक्ट विद द पोजोलेनिक मटीरियल एंड फॉर्म द फर्दर CSH जेल। तो अल्टीमेटली CaOH2 जो हमारे सीमेंट में बनता है, वही CaOH2 फर्दर पोजोलेनिक मटीरियल के साथ रिएक्ट होकर बना देता है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, जो कि अल्टीमेटली हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है। तो इसीलिए आजकल जो भी सीमेंट मार्केट में आता है वो मेनली पोजोलेनिक सीमेंट होता है, यानी कि PPC मार्केट में अवेलेबल होता है ज़्यादातर, बिकॉज देर इज़ अ गवर्नमेंट गाइडलाइन कि आप 15% उसमें पोजोलेनिक मटीरियल पहले से ही ऐड करके बेचो मार्केट में। समझे बात को? नाउ ये जो CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे सीमेंट में बनता है, ये लगभग
15-20% होता है सीमेंट वेट के। जितना सीमेंट आप लोगे हाइड्रेशन रिएक्शन के लिए, उस सीमेंट का 15-20% वेट का फॉर्मेशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमारे सीमेंट की हाइड्रेशन रिएक्शन में। समझे बात को? अब मैं पूरा पिक्चर आप लोगों को जल्दी से रिवाइज करवा दूं। आप लोगों को पहले मैंने बताया कि हाइड्रेशन रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर। देन मैंने आपको बताया कि ये जो रिएक्शन है इसमें फर्दर क्या क्या बनता है, प्रोडक्ट्स CSH जेल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अनडिज़ायरेबल, एंड हाइड्रेशन रिएक्शन की वजह से हीट ऑफ हाइड्रेशन भी रिलीज होती है। इस अनडिज़ायरेबल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर आपको नहीं बनने देना आपके सीमेंट में या आपके स्ट्रक्चर में, तो आप दो तरीके अपना सकते हैं। पहला ये कि आप अपने सीमेंट में C2S की मात्रा ज़्यादा रखो as compared to C3S की बजाय। दूसरा तरीका ये है जो मैंने आपको पहले नहीं बताया, वो ये है कि आप जब रॉ मटेरियल डिसाइड करो तो उसमें आयरन कंटेंट की मात्रा ज़्यादा हो as compared to C3A। आयरन कंटेंट की मात्रा अगर ज़्यादा होगी as compared to एल्यूमिनेट्स, तो क्या होगा, आपका सीमेंट क्या बनाएगा, C4AF as compared to C3A, और C3A ही तो आगे फर्दर जिप्सम के साथ रिएक्ट करता है। अब आप सोचेंगे सर जिप्सम तो हम ऐड करते ही हैं मैन्युफैक्चरिंग करते समय, तो हमें तो फिर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात सोच रहे हैं आप, इसीलिए तो हम बहुत कम परसेंटेज ऐड करते हैं जिप्सम की रिएक्शन को थोड़ा सा डिले करवाने के लिए, सेटिंग को थोड़ा सा डिले करवाने के लिए। अगर ज़्यादा अमाउंट में जिप्सम ऐड कर दें जो कि यहाँ पर बन ही रहा है ड्यू टू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं सल्फेट अटैक होते हैं, सो दैट्स वाई आप ज़्यादा आयरन कंटेंट यूज़ करेंगे बनाते समय, फॉर्मेशन के समय, मैन्युफैक्चरिंग के समय, उतना ही C4AF कंपाउंड ज़्यादा बनेगा एज कम्पेयर टू C3A, और आपका सल्फेट अटैक रिजिस्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है कि आप सीमेंट में एज इट इज़ वही कंपोजिशन रखो, लेकिन बस पोजोलैनिक मटेरियल को ग्राइंड कर दो, ताकि जो भी अमाउंट में 15-20% के अमाउंट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बने वो रिएक्ट करके पोजोलैनिक मटेरियल के साथ बना दे फर्दर CSH जल, जो कि अल्टीमेटली हमारे लिए बेनिफिशियल है। अब आप सोचेंगे कि सर ये सच में हर समय अनडिज़ायरेबल ही है क्या CaOH2? नहीं, CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फ़ायदा भी है हमारे हमारे सीमेंट में, वो ये कि अल्कलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट करता है ड्यू टू इट्स अल्कलाइन नेचर। हमारे सीमेंट स्ट्रक्चर में अल्कलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है ड्यू टू विच कोरोजन होने के चांसेस कम हो जाते हैं स्टील के। सो दिस इज़ वन एडवांटेज ऑफ CaOH2। ठीक, चलिए अब इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स जो हैं कि हमारे चार कंपाउंड हुआ करते थे बोग कंपाउंड्स, जिसको हम बोलते थे C3S, C2S, C3A, C4AF। इन चारों कंपाउंड्स में जो स्ट्रेंथ के लिए एक ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं, इफ़ आई वर टू ड्रॉ अ ग्राफ, अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड एज इन डेज के बीच में फॉर द बोग कंपाउंड्स, तो बोग कंपाउंड्स के लिए जो स्ट्रेंथ है वो ये ग्राफ शो करेगा कौन, C3S, और ये जो ग्राफ है इट इज ऑफ C2S, ये जो ग्राफ है इट इज फॉर C4AF, एंड दिस इज फॉर द C3A। ये ग्राफ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के
विद एज इन डेज के साथ फॉर वेरियस बोग कंपाउंड्स। इनमें देखिएगा, शुरुआती दिनों में जो स्ट्रेंथ है वो C3S प्रोवाइड करता है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है C2S, और जो कंट्रीब्यूशन है C3A और C4F का वो बहुत कम होता है। यहाँ पे अगर मैं इनकी हीट ऑफ हाइड्रेशन जो निकलती है 1 ग्राम ऑफ इन कंपाउंड के, तो वो किस तरीके का ऑर्डर होगा, तो यहाँ पे डेल्टा एच पर ग्राम के लिए अगर मैं एक ऑर्डर लिखूं, तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन किस में रिलीज होती थी, C3A, उससे कम किस में, C3S, उससे कम C4AF, और सबसे कम किस में, C2S में। लेकिन अगर हमें ये लिखना हो रेट ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन, रेट ऑफ हाइड्रेशन रेट ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन, तो रेट ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन के लिए हमको मालूम है कि रेट अलग बात है और डेल्टा एच बाय ग्राम अलग बात है। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन रिएक्शन यानी कि सबसे फास्ट रिएक्ट कौन करता है इन चारों कंपाउंड्स में से, सबसे ज़्यादा फास्ट या सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है C4AF ड्यू टू इट्स फाइन नेचर। बहुत ज़्यादा फाइन होता है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, ड्यू टू विच इट रिएक्ट्स वेरी फास्ट, इसका रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। देन C3A, देन C3S, देन C2S, ये ऑर्डर है हाइड्रेशन रिएक्शन के रेट का। आप सोचेंगे कि सर आप तो बोल रहे थे कि C3A सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, मैं बोल रहा था कि हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा रिलीज होती है C3A में से, जिसकी वजह से जल्दी सेटिंग होती है शुरुआती समय में। लेकिन जो फास्ट रिएक्शन सबसे ज़्यादा रेट होने का मतलब ये नहीं कि ज़्यादा जल्दी सेटिंग प्रोवाइड करना, इसका मतलब ये है कि C4AF इज़ रिएक्टिव इन नेचर, बट दिस डजेंट अश्योर कि इसकी वजह से सेटिंग और स्ट्रेंथ भी जल्दी आ रही है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। स्ट्रेंथ सबसे कम कौन प्रोवाइड करता है, C4AF। सो दिस इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड द रेट ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन एंड डेल्टा एच पर ग्राम का ऑर्डर। नाउ अब ये डिस्कस करने के बाद अब मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक और डिस्कस करना चाहता हूँ, जो है वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द हाइड्रेशन रिएक्शन। अगर सीमेंट का आपको हाइड्रेशन रिएक्शन करवाना हो तो हाउ यू विल डिसाइड कि कितना वाटर की रिक्वायरमेंट होगी हाइड्रेशन रिएक्शन के लिए। हमको इतना तो मालूम है ही कि 24 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर चाहिए होता है C3S की हाइड्रेशन रिएक्शन में, और 21 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ C2S ज़रूरत होती है। तो ऑन एन एवरेज ये जो कंपाउंड्स होते तो सीमेंट में ही हैं, तो ऑन एन एवरेज आपको कितने परसेंट वाटर की ज़रूरत पड़ती है सीमेंट के लिए, ऑन एन एवरेज 24 प्लस 21 कितना होता है, 45 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 22.5। तो ऑन एन एवरेज 23% ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन रिएक्शन के लिए आपको मेनली ज़रूरत पड़ती है 23% ऑफ वाटर। लेकिन जो CSH जेल है उसके अंदर पोर्स डेवलप हो जाते हैं, वॉइड्स डेवलप हो जाते हैं, उन वॉइड्स को भी अंदर से हाइड्रेट करके रखना होता है। तो हमें 15% वाटर ये तो हम लिख देते हैं हाइड्रेशन
रिएक्शन के लिए। ये जरूरी होता है टू फिल वॉइड्स इन CSH जेल। CSH जेल के अंदर जो वॉइड्स हैं उनको फिल करने के लिए 15% वाटर की ज़रूरत होती है। क्यों फिल करना है? ताकि CSH जेल हाइड्रेट होती रहे, क्योंकि 90% ही स्ट्रेंथ 28वें दिन तक अचीव होती है। सो हमें उसकी हाइड्रेशन करते रहना होता है, तभी वाटर स्प्रिंकल किया जाता है स्ट्रक्चर को एक्चुअली में उसके फाइनल सेटिंग टाइम के बाद। उसमें हम हाइड्रेशन करते रहते हैं, पानी लगाते रहते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर को, ताकि उसकी हाइड्रेशन ना रुके, उसकी स्ट्रेंथ प्रॉपरली अचीव हो 90% स्ट्रेंथ तक। दैट्स वाई 15% ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर टू फिल द एयर वॉइड्स। तो टोटल कितना वाटर हुआ? टोटल हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए देयरफॉर टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर हाइड्रेशन रिएक्शन इज 38%। टोटल 38% ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द टोटल हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट। सो दिस इज द टॉपिक दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ तक हमारा जो चैप्टर है 1/3 हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट डे वी विल डिस्कस कि कौन कौन से टाइप ऑफ सीमेंट्स होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे में। सो अभी तक के लिए इतना पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद यू विल गेट योर नोट्स ऑल्सो। सो टिल देन थैंक यू एवरी वन, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज़।